अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली खबर राजधानी भोपाल से। कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा तो प्रदेश में 15 सितंबर के बाद मानसून लौट जाता है, लेकिन इस बार एक साथ तीन वेदर सिस्टम एक्टिव हैं, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो अभी भी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वैसे प्रदेश में 15 सितंबर के बाद मानसून लौट जाता है, लेकिन जो अभी सिस्टम बना हुआ है इस बार का, एक साथ तीन वेदर सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके कारण अभी भी कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। प्रदेश के 6 जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने कहा है वहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी भी हम देख रहे हैं कि कई जिलों में तेज बारिश, कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश का दौर लगातार जो है जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, कई जिलों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। वैसे कहा जाता है प्रदेश में 15 सितंबर के बाद मानसून लौट जाता है, लेकिन इस बार तीन वेदर सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके कारण लगातार अभी भी बारिश हो रही है। बिल्कुल, साफ तौर से पूनम बताना चाहूंगा, मौसम विज्ञान वैज्ञानिकों का यही कहना है कि जो मानसून की दोबारा वापसी हुई है, लेकिन जो मानसून है 15 सितंबर तक जो है लौट जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो बारिश लंबी चलने वाली है, मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि शहर के 6 जिलों में जो है, प्रदेश के 6 जिलों में जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है। कहीं बिजली गिरने की भी चेतावनी जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। साफ तौर से भोपाल की अगर हम बात करें, भोपाल में लगातार जो है अभी जो है 3 से 4 दिन पहले लगातार बारिश का दौर जारी था, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि होशंगाबाद, रीवा, सतना, शहडोल इन इलाकों में जो है तेज बारिश की जो है संभावना जताई जा रही है, तो इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। और यही कहना है कि जो कहीं कुछ जिलों में जो है बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। जी पूनम जी, शुक्रिया रिजवान इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अभी भी 15 सितंबर के बाद मानसून लौट जाते हैं, लेकिन इस समय तीन वेदर सिस्टम एक्टिव है, और इसी के कारण कई जिलों में जो है बारिश लगातार हो रही है, कई जिलों में हल्की बारिश। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।